नेक्स्ट टॉपिक आपके चैप्टर में आता है वो है राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इन इन सेंस के आपको पता होना चाहिए कि राइट्स क्या होते हैं ड्यूटीज क्या होती हैं सो लेट्स डिस्कस तो स्टूडेंट्स राइट्स बेसिकली राइट जो होता है आर आई जी एस टी राइट इसके मुख्तफ किस्म के मीनिंग्स होते हैं लेकिन जो यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको एक स्पेसिफिक मीनिंग है और वो ये है कि पावर टू डू और इन्जॉय समथिंग विच इज़ अप्रूव्ड और रिकगनाइज बाय द मेम्बर ऑफ द सोसाइटी यानी कि जब आप एक माशरे में रहते हैं तो ऐसे बिहेवियर्स हैं ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप को अलाउ की गई हैं या माशरे में रहते हुए आपको प्रिवलिज़ ऐसे हासिल हैं तो उसको हम बोलते हैं एक फिलोसोफर हैं एच जे लास्की उन्होंने किस तरह डिफ़ाइन किया है राइट्स को ये देख लेते हैं दोज कंडीशन ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच नो मैन कैन सीक इन जनरल टू बी हिज बेस्ट सेल्फ यानी कि राइट्स वो चीज़ें हैं जिसके बगैर एक आप अपनी बेस्ट सेल्फ जो है उसको सीक ही नहीं कर सकते कोई इंसान नहीं कर सकता उसको राइट्स बोलते हैं स्टूडेंट्स एज वी ऑल नो कि इस्लाम ने हमें फ़ंडामेंटल ह्यूमन राइट्स के बारे में बताया है और उस ज़माने में बताया है जबकि दौरे जाहलीत था और ह्यूमैनिटी जो है वो भूली जा चुकी थी और इसके बारे में हमारे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बताया और उन्होंने ये कहा रेंडर ऑन टू अदर्स वॉट यू वुड लाइक अदर्स टू रेंडर ऑन टू यू बच्चों इससे हमें कितनी अच्छी बात समझ में आती है कि जैसा आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ हों आप भी लोगों के साथ वैसे ही हों तो ये एक बहुत प्यारी बात हमारे हजूपा सलम ने हम सब को थोड़े से अल्फाज में समझा दी अब सवाल ये पैदा होता है कि वॉट एक्चुअली राइट्स एम्प्लाय तो जो फॉलोइंग बेसिक कैरेक्टर्स हैं हम उसको डिस्कस कर लेते हैं नंबर वन राइट्स आर द बेसिक कंडीशंस ऑफ अ सिविलाइज्ड लाइफ नंबर टू स्टेट एक्सरसाइज इट्स पावर टू सेव गार्ड ह्यूमन राइट राइट्स कैन ऑल्सो भी प्रजर्वड विद द हेल्प ऑफ द स्टेट नंबर थ्री राइट्स आर यूनिफॉर्म इन नेचर दिस एम्प्लाइज दैट ऑल सिटीजन हैव इक्वल राइट्स स्टूडेंट्स जैसे कि आपने इन पॉइंट्स में देखा कि राइट्स जो हैं वो हर एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए बेसिक नेसेसिटी है और बेसिक कंडीशन है और ह्यूमन राइट्स को सेफ करने के लिए स्टेट जो है काफ़ी हद तक इंसानों की यानी कि सीटिज़न्स की मदद करती है so, और जो राइट्स हैं वो हर किसी को इक्वल होना चाहिए ये ना हो कि एक अमीर है उसके तो बहुत ज़्यादा राइट्स हैं वो जब चाहे किसी की कंप्लेन करे तो वो उसकी बात सुनी जाए और एक जब गरीब कंप्लेन करे किसी चीज़ के बारे में तो उसकी उस तरह बात ना समझी जाए या फिर जब कोई सज़ा देने लगें तो अमीर को तो सज़ा ना हो और गरीब को फ़ौर सज़ा दे दी जाए तो इसके अंदर ये भी है कि राइट्स की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए यानी कि हर जगह रूल ऑफ लॉ का को मेक श्योर करना ज़रूरी है देखते हैं नंबर फोर क्या है राइट्स आर इन वोलेबल नोट सिटीजन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज़ और हर फंडामेंटल राइट्स अनलेस इट इज़ इम्पेटिव फोर द फुलफ़िलमेंट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल रिक्वायरमेंट नंबर फाइव राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर ऑर्गेनिक टू ईच अदर वन परसन राइट इज़ अन अदरसन ड्यूटी नंबर सिक्स राइट्स आर द वैल्यूज ऑन द बेस ऑफ विच ए सोसाइटी डिटर्मिन्ज इट्स नॉम्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग जस्ट और अनजस्ट सो स्टूडेंट्स जैसे कि आपने इन तीन पॉइंट्स में भी देखा कि राइट्स जो हैं वो फंडामेंटल जो आपके राइट्स हैं उससे किसी को भी डिप्राइव नहीं करना चाहिए और ये वाली चीज़ जो आपके बेसिक राइट्स के बारे में है ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखी गई है और ये एक लीगल बाइंडिंग भी है उसके बाद स्टूडेंट्स जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि एक पर्सन का जो राइट right है वो दूसरे पर्सन की ड्यूटी हो जाती है नेक्स्ट ये कि जो राइट यानी कि जो सही और ग़लत या जस्ट और अनजस्ट में फ़र्क जो है वो आपके राइट्स बताते हैं